हे गाइस, आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, सो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके साथ एग पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, मगर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, खस्ता करारे और खूब सारे लेयर वाले एग पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब डालेंगे बारीक कटे प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, सब्जी आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इन्हें सौते कर लेंगे और इसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला, चाट मसाला, ओरिगैनो, नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में लेंगे दो अंडे, इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम सब्जियों में डाल देंगे और चलाते जाएंगे जब तक कि जो मिश्रण है पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाएगा। और इसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया। तो ये जो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग है, इसे आप ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसके लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा, आप मैदे का आटा भी ले सकते हैं। नमक मिलाएंगे, कलर के लिए मैं थोड़ी हल्दी मिलाई है, इससे परौंठों का कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे। अब परौंठे हमारे खस्ता बने, तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जैसे कि हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही एक नरम आटा हमें इसके लिए लगाना है। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब इसके बाद इसके हम ना पेड़े बनाएंगे, एक बार अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। तो पहले पेड़े बना लेंगे। तो दोस्तों, आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी रोटी बना लेंगे। तो रोटी को हमें लंबाई में बेलना है और इसके बाद इसमें ऑयल लगाएंगे, अच्छे तरीके से ऑयल को रोटी में लगा लेंगे। और जो इसके लिए हमने स्टफिंग तैयार की थी, अब इसको रोटी के ऊपर रखेंगे। और इसके बाद कोने से पकड़ के हमें रोटी को फोल्ड करना है। देखिए जिस तरीके से मैं रोटी को फोल्ड कर रही हूँ, बस इसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करके इसे किनारे से दबा देना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो ना निकले, और इस तरीके से इसे फ्लैट कर देंगे। अब दूसरी साइड में इसे अंदर की साइड को रोल करेंगे, बस कुछ इस तरीके से आप इसे रोल कर लीजिए। तो देखिए हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से हम पहले सारे पेड़े तैयार कर लेंगे ताकि जो हमारा काम है वो आसान हो जाए। अब इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को लेंगे, उसे हल्के हाथों से हमें दबाना है और फैला लेना है, एकदम से बेलन से ना बेलें क्योंकि जो स्टफिंग है वो किनारे से बाहर आ जाएगी। बस कुछ इस तरीके से इसे फैला लें, फिर हल्के हल्के बेलन से इसे बेल लें। तो ये हमारा एक रोटी तैयार हो गई है। अब इसे तवे में दोनों साइड से सेक लेंगे और इसके बाद इसमें ऑयल, घी या बटर, जो भी आप लगाना चाहें, दोनों साइड से लगा के इसे करारा कर लें। बस मज़ेदार चटपटे खस्ता करारे अंडे के परौठे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के परौठे हैं और आपको ये परौठे बहुत पसंद आएंगे। अगर आज की रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कितनी अच्छी इनके अंदर लेयर्स आई हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।